हेलो दोस्तों, तो हम दिखाएंगे आपको चिकन की रेसिपी। हमने ले लिए 1 किलो आज कटी हुई चिकन और ये अदरक लहसुन, ये हो गया कटी हुई टमाटर प्याज। अब इस अदरक लहसुन पेस्ट कर ले रहा हूँ, ये हो गया अदरक लहसुन पेस्ट, भी कढ़ाई बैठा दी है। अब हम अभी चिकन को धो लेना है। धोने के बाद कढ़ाई बैठा दिए, देखो तेल डाल दिए, इलायची, तेज पत्ता, मिर्ची डाल दिए, जीरा डाल रहा हूँ। अभी थोड़ा सा पका लेना अच्छे से, इसको फ्राई करके, हाफ फ्राई, थोड़ा आगे फ्राई होने के बाद ये देखिए कटी हुई प्याज डाल देना है। प्याज थोड़ा सा पका लेना, हल्का लाल होना, लाल जब हो जाए थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए रहना है, अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेना है। अब ये हमारा पेस्ट है अदरक लहसुन पेस्ट, इसको भी डालना है। अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा सा इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई जब हो रहा है तब तक अब वीडियो कर दो लाइक और हमारा चैनल कर दो सब्सक्राइब। फ्राई होने के बाद अब डालना है इसमें टमाटर। टमाटर डालने के बाद थोड़ा टमाटर अच्छे से पका लूँ, थोड़ा अच्छा से बॉईल होने के बाद उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये नमक डालना है। अभी नमक डालते हुए स्वाद अनुसार नमक और हल्दी नियम अनुसार, उसको थोड़ा चम्मच चलते रहना नहीं क्यों जल जाएंगे नीचे में। और ये थोड़ा सा अच्छा सा चम्मच चलाते हुए, कलर अभी आने वाला है। अभी डालना है इसमें कश्मीरी मिर्ची पाउडर, जो कलर आए अच्छे से, देखने में भी अच्छा सुंदर दिखे। अब उसको चम्मच चलाते ही ये हो गया थोड़ा सा अच्छा सा फ्राई। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, धोया हुआ चिकन है। अब देखिए इसमें डालेंगे चिकन डाल के अभी इसको अच्छा चम्मच चला के पूरा मिक्स कर देंगे, थोड़ा अच्छा चम्मच चला लेंगे तब तक मिक्स हो जाए सब कुछ। उसके बाद मिक्स करने के बाद देखो थोड़ा कलर आ रहा है अभी अच्छा से, देखो पूरा कलर आ गया। अब हो गया मेरा मिक्स, अभी भी अच्छा से कलर नहीं आया, थोड़ा फ्राई होगा तो अच्छा से कलर आ जाएगा लग रहा है। हम इसमें डाल देंगे 2-4 पीस आलू, थोड़ा अच्छा चम्मच चला लेते। उसके बाद अब इसको ढक्कन लगा देते हम, ढक्कन लगा के थोड़ा पावर कम करके इसको 5-10 मिनट बाद, देखिए ये हमारा 10 मिनट बाद अभी आधा पक रहा, ये हो रहा है फ्राई। अभी कुछ ही देर में देखो और 5 मिनट चम्मच में अच्छे से फ्राई, और थोड़ा सा होना चाहिए, देखो फ्राई होने के बाद कलर अच्छे से अभी आ गया लग रहा है। अब हम इसको थोड़ा फ्राई कर लेते, अच्छा से पकाने से थोड़ा फ्राई होने के बाद पूरा पिघल जाएगा थोड़ी देर में। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो मस्त कलर आ रहा है, अच्छा लाल दिख रहा है अंदर में, पूरा देसी स्टाइल में पकाया जा रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे प्लेट में निकाल के, ये हो गया अच्छा से फ्राई। अब देखिए कितने मुलायम है, छूने से ही पूरा पिघल जा रहा है, हाँ सब पकड़ते सब पिघल जा रहा है। अभी हम डाल दिए चिकन में पानी,
गरम पानी डाल, जल्दी हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया हमारा चिकन बन के रेडी। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो।